ये हल्दी है, ये जीरा है, ये अजवाइन है, ये मेथी है, ये मेथी है, ये मिक्स मसाला है। इसमें जितने मसाले होते हैं इसमें, ये सब मिक्स मसाला है। ये नमक है, ये सब जरा जरा से इसमें पड़ेंगे। अरे हमारा जो आप देख रहे हैं सबसे मेन चीज़ है, ये पोई के पत्ता है, ये चना है, लहसुन मिर्चा। आज पोई के पत्ता और चने के साथ बनाऊं, क्योंकि इसके साथ बनाने से बहुत अच्छा लगता है। अरे पोई के पत्ता जो देख रहे हैं, ये पान के पत्ते की तरह दिखता है। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद होता है, आँख के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए पोई के पत्ता बहुत नहीं डालना है, बस 10-5 पत्ता रहे और सब लोग खाइए। ये देखिए, ये पान के पत्ते की तरह दिख रहा है। देखिए इसको हम धोले हूँ, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा तोड़ी हूँ, क्योंकि अपने बाड़ी में हम इसको लगाई हूँ। ये लता की तरह इसका पेड़ होता है, जिस तरह पान का पत्ता होता है, पान का पेड़ जिस तरह होता है उसी तरह इसका भी पेड़ होता है, इसी तरह। ये देखिए, ये बिल्कुल पान के पत्ते की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पान का पत्ता नहीं है। इसको जब आप पहले धुल लीजिए तब काटिए, क्योंकि इसमें लिबलिबापन होता है, तो ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज हम इसको बना के आप लोग को दिखाऊंगे। और इसको लगाना भी, पेड़ लगाना बहुत आसान है। आप इसको अपने गमले में लगा लीजिए और चढ़ा दीजिए, बहुत बढ़िया जो है पत्ता उसी तरह होता है। देखिए इसी तरह छोटा छोटा काट लेना, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए लहसुन निकल रहा है, देखिए इस तरह इसमें लहसुन होता है, इसलिए इसको धुल के काटना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है इसकी, बस अभी लहसुन मिर्च है। ये देखिए इसमें सरसों का तेल पड़ता है और दूसरा कोई तेल नहीं पड़ता है, क्योंकि सरसों का तेल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत जरा सा तेल डालना, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि ये फायदे वाली सब्जी है ना, इसलिए इसमें जो है तेल बहुत कम। अब देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए क्योंकि मैं थोड़ी सब्जी है तो थोड़ा मसाला भी पड़ेगा। तेल में ही हल्दी छोड़ना, हल्दी है और ये हमारा मिक्स मसाला है। इसमें दालचीनी है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, हर मसाला इसमें है। और ये नमक है स्वाद अनुसार, बस इतने डालना है, इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है। और इसके बाद हमारा ये पत्ता पड़ जाएगा, पत्ता पड़ जाएगा पत्ते को चला रहे हैं। देखिए चना 10 मिनट में तैयार होता है। देखिए अब ये देखिए पत्ता जो दिख रहा था आपको इतना बड़ा बड़ा, देखिए पत्ता कहीं किनारे नहीं दे रहा है। इसी तरह इसको चलाते रहना है, ढकना नहीं है। देखिए पत्ता पूरा गल गया है, हमारी सब्जी चने की सब्जी तैयार है। बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, शरीर के लिए फायदेमंद है, जोड़ों के लिए फायदेमंद है। डेली मिले तो डेली खाइए, हफ्ते में एक दिन मिले तो एक दिन खाइए, जैसे सब्जी हो गई हमारी। हम उसको निकाल लेंगे, सब्जी तैयार है। गैस पर देखिए पत्ता इसमें नज़र नहीं आ रहा है, पत्ता कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और जोड़ों के लिए रामबा इलाज है। धन्यवाद।